में मुंडाली थाना क्षेत्र के नगलामल गांव में शनिवार देर रात एक परिवार को बंधक बनाकर डकैती की घटना प्रकाश में आई है, जहां डकैतों पर घर में रखे 8 लाख के जेवर और 1 लाख की नकदी लेकर फरार हुए हैं। इस दौरान परिवार के सदस्यों के साथ विरोध करने पर मारपीट की गई। इतना ही नहीं, जान से मारने की धमकी भी दी गई। जानकारी के अनुसार मुंडाली थाना क्षेत्र के नगलामल गांव में किसान शिवम तोमर शनिवार रात अपने 8 वर्षीय बेटे के साथ मकान की छत पर सो रहे थे, जबकि उनकी पत्नी मकान में नीचे सो रही थी। इस दौरान रात करीब 2 बजे आधा दर्जन से अधिक नकाबपोश हथियारबंद बदमाश मकान के दीवार फाड़कर उनके घर में घुस आए, जिनमें से कुछ डकैतों ने छत पर पहुंचकर शिवम तोमर उनके बच्चे को बंधक बनाकर नीचे ले आए। इसके बाद मकान में रखे करीब 8 लाख रुपए के जेवर और 1 लाख की नकदी समेत घर के कीमती सामान को लेकर डकैत मौके से फरार हो गए। वहीं अपराधियों के जाने के बाद बंधन मुक्त होकर शिवम तोमर के परिवार में शोर शराबा किया, साथ ही घटना की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना किया। इसके साथ ही पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं इस घटना को लेकर राजस्व एसपी रोहित सिंह सजवान, एसपी देहात कमलेश बहादुर ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया, साथ ही डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम ने भी घटना स्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। एसपी देहात कमलेश बहादुर ने बताया कि शिवम तोमर की तहरीर पर डकैती की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना मुंडाली के नगलामल गांव के शिवम तोमर और उनके भाई विशाल तोमर के द्वारा यह सूचना दी गई है कि इनके घर में रात में कुछ अज्ञात बदमाश घुस आए और इनके घर में रखी अलमारी से 50,000 रुपये और सोने के जेवरात लेकर के चले गए। इस संबंध में इनके द्वारा तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है तथा मौके पर डॉग स्क्वाड और फील्ड यूनिट को भेजा गया है। सभी पहलुओं पर जांच करके आवश्यक विधिक कार्रवाई कर घटनाक्रम को शीघ्र किया जा रहा है।